Hi guys, welcome to my channel The Super Minds. So today in this video I will discuss about CV update regarding IIBF Junior Executive Exam, that is 2020-22. Okay, so first of all, congratulations to all those students who got CV update mail. It means you have cleared stage 1 examination, which was held on 17th of December this month. Yes. सो आज की वीडियो में हम लोग भाई जो सीवी अपडेट में बच्चों की ना काफ़ी क्वेरीज आ रही है, तो क्वेरीज शॉर्टलिस्ट करेंगे, ठीक है, शॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है ना, कि क्या क्या क्वेरीज है. छोटा सा वीडियो है, फटाफट देख लेना, ठीक है. तो जो जैसे एक पहला क्वेरी है, एक ही ओनली आ रही शॉर्टलिस्टेड, ठीक है. तो भाई हाँ, जितने भी बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए हैं ना, ठीक है, उनको ही सीवी अपडेट का मेल आया है, ठीक है. सीवी का मेल आया है जो भी शॉर्टलिस्ट है, यानी कि क्वालिफाइड कैंडिडेट्स, ठीक है ना. अनक्वालिफाइड तो बाहर हो गए, क्वालिफाइड कैंडिडेट जितने भी थे उनको ही सीवी अपडेट का मेल आया है, ठीक है. अब उस मेल को अच्छे से, ये जो है सीवी को अच्छे से फिल करके आपको सेंड कर देना है वापस से, ठीक है. तो आप भाई कॉन्ग्रेचुलेशन जिनको भी मेल आया, ठीक है ना, आप लोग शॉर्टलिस्टेड हैं, ठीक है. उसके बाद क्वेश्चन आ रहा है कि हाउ टू फिल सीवी, व्हाट टू राइट इन सीवी, ठीक है. तो ये सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, कि हाउ टू फिल सीवी. तो भाई सीवी में सबसे पहले तो भाई जो भी आपका इम्पॉर्टेंट चीज़ें है ना, देखो सारी चीज़ें ना जेन्युइन होनी चाहिए, ठीक है, या ऑथेंटिक, ठीक है ना. फेक चीज़ें मत डालना यार, ठीक है. और देखो क्या कहते हैं, जो एजुकेशन है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है ना, ठीक है, इसमें क्या है एसेंशियल. अब जैसे कि एसेंशियल पूछ रहा है, एसेंशियल वाली, तो इसमें जो जाएगा पहले ग्रेजुएशन डाल दो, ठीक है. उसके बाद आपका चले जाएगा 12th, उसके बाद चले जाएगा 10th, ठीक है, ये चीज़ चल जाएगी. उसके बाद डिज़ायरेबल का ऑप्शन है, डिज़ायरेबल, ठीक है, डिज़ायरेबल एजुकेशन. अगर आपके पास है पीजी कर रखा है आपने, ठीक है, तो पीजी डाल दो. डिप्लोमा कर रखा है तो डिप्लोमा डाल दो, या एनी अदर, क्या है, एनी अदर कोई भी आपने, अरे यार, कोई और सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट कोर्स है आपका, तो वो डाल सकते हैं जिनके पास डिजायरेबल है, ठीक है. और जिनके पास नहीं है तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, नहीं है तो नहीं है, उसको ब्लैंक छोड़ना है. जिनके पास नहीं है भाई, ठीक है, उनको ब्लैंक छोड़ना है, ठीक है ना, कुछ नहीं भरना, ब्लैंक छोड़ देना, ठीक है. अब वो कह रहा व्हाट टू राइट इन सीवी, तो बता ही दिया भाई, ये सारी चीज़ें लिखनी है और सारी चीज़ें भाई ध्यान से भरना, ठीक है. और हाउ टू फिल में था, कहने का मतलब कि भाई बच्चे कह रहे थे ना कि कैसे भरे उसको, ठीक है. तो देखो अगर डॉक फॉर्मेट है ना, तो आप टाइप करके भर दो, ठीक है. और जो फोटो होगी, ठीक है, उसको क्या करो, पासपोर्ट साइज को कॉपी करनी है और पेस्ट कर दो, ठीक है. अगर जो टैग गाए हैं उन बंदों को दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जो नॉन टैग भी है जिनको प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है. आप प्रिंट आउट ले, हैंड रिटन फिल करें, ठीक है. उसके बाद उसको फोटो पेस्ट करें, ठीक है. उसके बाद क्या है, कोई भी एक डॉक स्कैनर होगा, ठीक है, उसे फोटो खींच के एक फाइल फॉर्मेट बना दें, ठीक है, फाइल फॉर्मेट जिसमें वो मांगना है, या तो PDF, ठीक है, या डॉक, या JPEG, जो भी फॉर्मेट होगा, ठीक है, उसमें बना के आप लोग वापस से का मेल करते हैं उसको. बस इतनी चीज़ें हैं, ठीक है. और राइट में बता दिया, एजुकेशन का ध्यान रखना, बस डिजायरेबल हो गया, ठीक है. और एक दो चीज़ें और आ रही थी कि जैसे पूछ रहे थे कि एक था एनी अदर इन्फो, ठीक है, एनी अदर इन्फो भी ऑप्शन था एक, ठीक है, एनी अदर इन्फो. एक सेकेंड में इसको ना थोड़ा सा वो कर दो, एनी अदर इन्फो में भाई क्या करो, ठीक है, एनी अदर इन्फो में एक्सपीरियंस है अगर, ठीक है, तो आप एक्सपीरियंस डाल दो, ठीक है, इफ़ एनी. अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, या फिर ग्रेजुएशन में कुछ को करिकुलर एक्टिविटीज़, ठीक है, या अचीवमेंट्स, छोटी मोटी जो भी अचीवमेंट्स है, कुछ भी है, या सोशल वर्क हो, कोई कुछ भी चीज़ें छोटी मोटी वो उसमें डाल सकते हैं, ठीक है. और जिनका अगर कुछ भी नहीं है ना, तो वो भी टेंशन लेने की वाली बात नहीं है. वो लोग जिनके पास कुछ भी नहीं है, वो भाई ब्लैंक छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है.
ब्लैंक छोड़ दो। अब जो आ रहा है कि वेयर टू मेल, तो भाई ये होपफुली एचआर डिपार्टमेंट से आया होगा, तो एचआर को ही मेल करना है। लास्ट टाइम भी क्या था एचआर डिपार्टमेंट, क्योंकि एचआर डिपार्टमेंट में जो रिक्रूटमेंट वाली चीज़ें होती है ना वो हैंडल करता है, ठीक है। तो एचआर डिपार्टमेंट को आया तो इन्हीं को मेल कर देना या रिप्लाई कर देना, जो भी आपको मेल आया उस पर रिप्लाई डाल देना, ठीक है। अटैच जरूर कर देना भाई सीवी जो है ना आपकी फाइल, ठीक है, उसको अटैच जरूर कर देना, क्योंकि काफ़ी बच्चे क्या करते हैं अटैच करना भूल जाते हैं, लिख तो देते हैं। अब आप बोलोगे क्या लिखे हैं उसके अंदर, कुछ लिखना भी है क्या, ठीक है, तो लिख देना कि डियर सर या मैम, ठीक है। और आई हेयर माई अटैच माई सीवी, ठीक है, बला 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 ऐसे करके, ठीक है, रिगार्डिंग जो भी ऐसे करके रिगार्डिंग दी पोस्ट ऑफ, ठीक है, ये सारी चीज़ें करके हो जाएगी कंप्लीट, ठीक है। और लास्ट में जो भी अपना रिगार्ड्स वगैरह जो भी नेम है वो चले जाएगा रिगार्ड्स में, ठीक है। उसके बाद है रेलेवेंट या रेलेवेंट थिंग्स, ठीक है। तो व्हाट आर रेलेवेंट थिंग्स एंड व्हाट आर इरेलेवेंट थिंग्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो भाई जो काम की चीज़ें ना आपके काम की चीज़ें हैं, ठीक है, वो तो सारी फिल कर देना, ठीक है। अब क्वालिफिकेशंस हो गई सारी, एक्सपीरियंस हो गया, ठीक है, एक्सपीरियंस, ठीक है, या एक्टिविटीज, ठीक है, और अचीवमेंट्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें जितनी भी है चीज़ें ये सारी डाल दो। जिनकी नहीं है भाई डिज़ायरेबल, जिसका कुछ नहीं है, ठीक है, वो ब्लैंक छोड़ो, ठीक, एनी अदर में कुछ नहीं किसी का, वो ब्लैंक छोड़ दो, ठीक है। ये सारी चीज़ें मतलब जो भी भाई ऑथेंटिक चीज़ है ना आपकी, वो सारी ऑथेंटिक चीज़ें ही डालनी है, फालतू चीज़ें मत डालना क्योंकि प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है ना। सारी ऑथेंटिक चीज़ें ही डालो जो चीज़ आपने कर रखी है, ठीक है ना, इस चीज़ का ध्यान रखो, ठीक है। और कोई क्वेरी आती है तो क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में बता दो, ठीक है, उसमें वहीं पर रिप्लाई कर दूँगा, सॉर्ट आउट कर दूँगा, ठीक है, कुछ भी चीज़ आती है तो। ओके गाइस, थैंक्स, लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।